नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इंडिया एंड द वर्ल्ड के इस ताजा अंक में। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान में मौजूदा हालात के बारे में, और हमारे साथ हैं श्री एनसी बिपिंद्र जी। बिपिंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बिपिंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड सेगमेंट में लगातार हमारे साथ रहते हैं, और हमने पिछले कार्यक्रमों में भी उनके साथ चर्चा की है। आज फिर से चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति ये है कि 8 फरवरी को वहां पर चुनाव हुए थे, लेकिन अभी तक वहाँ सरकार नहीं बन पाई है। फौज ने इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की थी नवाज शरीफ के पक्ष में, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। दूसरी पार्टी जो है पीपीपी, उसको भी बहुमत नहीं मिल पाया। दोनों पार्टियां बहुमत से बहुत दूर हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 100 से ज्यादा वहां पर जीते हैं, जिसमें कि इमरान खान की तरीके इंसाफ पार्टी का कहना है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनके हैं। उनके पास वास्तव में तो 170 उनके कैंडिडेट जीते थे, लेकिन चुनावों में घपला करके और अल्टीमेटली 101 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वहां पर जीते हैं। और ये इंडिपेंडेंट इसलिए लड़े थे क्योंकि तरीके इंसाफ पार्टी को उनका इलेक्शन सिंबल क्रिकेट बैट वो नहीं दिया गया था। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो पीपीपी और नवाज शरीफ की पीएमएलएन इनको बैक कर रही है। प्राइमरली पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बैक कर रही थी, और माना जा रहा था नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब ताजा डेवलपमेंट ये है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, अपने जो भाई हैं उनका नाम आगे किया है, जो पाकिस्तान में पंजाब के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और पीपीपी और पीएमएलएन की जो ज्वाइंट गवर्नमेंट थी पिछले कुछ महीनों में, उसके अंदर भी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। बहरहाल तो डेडलॉक है। तो बिपिंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस सारी स्थिति को? आप देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ये जो रिजल्ट आया है जिसमें इमरान खान के पार्टी के कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट खड़े थे। उसका बैकग्राउंड हमने पिछले कार्यक्रम में हमने कवर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल भेज दिया। पहले 3 साल का सजा था, फिर 10 साल और 14 साल, दो तीन डिफरेंट केसेस में उनको सजा मिली है। उसके बाद उस पार्टी को एक्चुअली कंटेस्ट करने से इन्होंने रोका है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इलेक्शन कमीशन, मिलिट्री सारे मिलकर उनको स्टॉप किए हैं, तो उसकी वजह से वो कंटेस्ट नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी उन्होंने अराउंड 93 सीट्स उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए हैं। और एक्चुअली मैं इसको ऐसे देखता हूँ, एक्चुअली इट इज़ अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री इन वन वे, दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव answered vociferously against the military's interference in the democratic process of Pakistan. मैं एक्चुअली पिछले कार्यक्रम में हमने कवर किया था कि पाकिस्तान मिलिट्री ओनली द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947 वो डेमोक्रेसी उन्होंने कोशिश किया था एस्टेब्लिश करने का, बट 1958 में जनरल अयूब खान टर्न्ड ओवर द डेमोक्रेसी इनटू अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और उसका उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट रहा है कि मिलिट्री हैज ऑलवेज हैड अ से इन द इलेक्शंस, हैज ऑलवेज हैड एन इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल आउटकम ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट की सर्वाइवल, गवर्नमेंट चलना, गवर्नमेंट की डिसीशन सभी पे उनका प्रभाव ऑलवेज रहा है, ये ऑलवेज रहा है। और मुझे दो दिस इलेक्शन रिजल्ट इज अ सेटबैक फॉर द मिलिट्री, मुझे लगता है दे विल ओवरकम दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ देयर ओवरवेलमिंग स्टेटस एज द एस्टैब्लिशमेंट एज दे कॉल इट विद इन कोट्स इन पाकिस्तान। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में हम डीप स्टेट बोलते हैं। द मिलिट्री इज द डीप स्टेट इन पाकिस्तान, दे आर द एस्टैब्लिशमेंट, सो दे विल ओवरकम दिस। मुझे लगता है दे विल ओवरकम, ऑलरेडी उसका दिख रहा है इम्पैक्ट। जैसे अभी पीटीआई के, दैट इज इमरान खान पार्टीज 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इन द नेशनल असेंबली हैव ऑलरेडी शिफ्टेड देयर अलीजियंस टू पीएमएल नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो इसमें क्लियरली दे विल ब्रेक दोज इंडिपेंडेंस। आप देखिए, मुझे लगता है सारे कैंडिडेट के ऊपर उनके पास एक एक्स फाइल ऑलरेडी होगा, सभी के बारे में डॉसियर्स मिलिट्री के पास होगा। एंड आई कैन अश्योर यू देर इज नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन द वर्ल्ड वो कैन से दैट दे डोंट हैव अ ब्लैक स्पॉट बिहाइंड दम। आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ
the big religious figures like Buddha or Jesus Christ or anybody, or even I mean, I don't want to get into a controversy here, but even all religious figures also who are being worshipped all over the world by different religious groups, unke life may be black spots, and there is not a single human being who can claim to have no black spot. So तो ये प्रेशर सारा टैक्टिक आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री जो है दे विल यूज द प्रेशर टैक्टिक एंड अल्टीमेटली दे विल ब्रेक डाउन ऑल दिस इंडिपेंडेंट. तो आपको तहरीके इंसाफ जो पीटीआई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी और इमरान खान इसका क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? मुझे लगता है दिस पार्टी विल ब्रेक अवे कम्प्लीटली. मुझे आई मीन आई कैन क्लियरली सी दो साइंस ऑलरेडी हैपनिंग. पाकिस्तान विल बिकम आई मीन पाकिस्तान मिलिट्री विल एंश्योर दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिकम्स अ नॉन एंटिटी इन पाकिस्तान इन द फ्यूचर, बिकॉज दिस इलेक्शन रिजल्ट इज अ बिग बिग चैलेंज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट. वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहते हैं कि ऐसी स्थिति हो जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री इज यू नो पोजिशन इन इन द कंट्री इज पुश्ड टू द साइडलाइंस. वो नहीं चाहते हैं, वो कभी नहीं अलो करेंगे इसको. इट इज़ ऑब्वियस दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्यूचर इज वेरी ब्लीक. दे मे डिसइंटीग्रेट इन टू मल्टीपल ग्रुप्स. आई मीन पाकिस्तान में पार्टीज को तोड़ना पाकिस्तान मिलिट्री को इट्स लाइक बाएं हाथ का खेल. तो वो बड़ी बात नहीं है. आप देखिए पिछले सरकार में पीटीए इमरान खान की सरकार कैसे टूटी थी, कैसे गिर गई थी. दे ब्रोक दैट पार्टी कंप्लीटली एंड इट वाज अ मिलिट्री विच डिड दैट. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट पीटीआई विल बिकम अ नॉन एंटिटी इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. एंड ये अभी देखिए ऑलरेडी 10 इंडिपेंडेंस, मतलब आज आज की तारीख में 10 इंडिपेंडेंस निकल चुके हैं उस पार्टी से, और 30-40 इंडिपेंडेंट निकलना बड़ी बात नहीं है. वो पाकिस्तान मिलिट्री विल ऑब्वियसली अचीव दैट. मैंने आपको बताया सबके बारे में, कोई ना कोई ये बताइए विपिन जी, ये लेजिटिमेसी क्या होगी इस गवर्नमेंट की, क्योंकि मैंडेट तो है नहीं. नहीं. आप देखिए कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगा, मिलिट्री भी चाहता है, पाकिस्तान मिलिट्री भी चाहता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट ही बने. जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगा, जैसे इंडिया में भी हमने देखा है 1990s में कितने सारे कोएलिशन गवर्नमेंट, अंटिल 2014 वी हैव हैड कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर 30 इयर्स. तो क्या हुआ, कोई प्रधानमंत्री डिसीजन नहीं ले पाता. तो वही स्थिति आप पाकिस्तान में भी आपने देखा है, शाहबाज शरीफ के सरकार में भी देखा है, उससे पहले भी देखा है. एंड दिस दिस अनसर्टेंटी इज एक्चुअली गुड फॉर पाकिस्तान मिलिट्री. वो चाहते हैं कि अनसर्टी रहे, कोएलिशन गवर्नमेंट बने, डिसीजन ना ले पाए, पर्टिकुलरली मिलिट्री के खिलाफ कोई डिसीजन ना ले पाए, जनरल्स के खिलाफ कोई डिसीजन ना ले पाए. ये वाली स्थिति पाकिस्तान मिलिट्री के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए तो ये चाहते ही है. तो आप देखिए डेफिनेटली पीएमएल नवाज और पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार बनेगी, और ये जो टुकड़े टुकड़े जो पार्टीज हैं एमक्यूएम वगैरह जो जमात इस्लामी वगैरह, उन्होंने भी कुछ सीटें जीते हैं. आप देखिए वो भी आके अभी ऑलरेडी नवाज शरीफ हैज फ्लोटेड दिस आइडिया ऑफ ए नेशनल गवर्नमेंट वेयर सारे जो इलेक्टेड पार्टीज हैं, नॉट इंडिपेंडेंट, सारे पार्टीज मिलके सरकार बनाए. इवन विद पीएमएल नवाज इन पीपीपी दे हैव अ मेजोरिटी इन द हाउस. ओके उनको आई मीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से देखेंगे तो उनको 120 और सीट्स की जरूरत है, वो उनके पास ऑलरेडी है. दोनों मिला के आप देखेंगे तो 129 सीट्स कुछ बन रहा है. बट इफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होके आते हैं उसके हिसाब से भी देखेंगे तो बिकॉज पीटीआई इज कैंडिडेट्स आर ऑल इंडिपेंडेंट्स, दे विल नॉट गेट एनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव. आप आई मीन डायनमिक्स आप बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड डायनमिक्स में जो इलेक्टेड पार्टीज हैं दे आर द वंस यू आर गोइंग टू गेट देयर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. उससे उनका 169 इज द ब्रेकिंग पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, वो पार करेंगे. तो मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी अ कोएलिशन गवर्नमेंट. मोस्ट प्रोबेबली जो अभी खबर निकल रही है आ रही है, शाहबाज शरीफ विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर. नवाज डजेंट वॉन्ट टू गेट इन सच अ सिचुएशन वेर ही इज इन द कॉम्प्रोमाइज
द सिचुएशन, सो वो शाबाश को कड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए. और जरदारी वो इज पीपीपी वो जो बिलावल भुट्टो इज फादर, ही इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट. वो ऑलरेडी निकल के आ रहा है. मुझे लगता है दिस सिचुएशन विल बी एनफोर्स्ड, मुझे ऐसे लग रहा है इस वक्त. तो अभी बदला बदली हो सकता है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ब्रॉडली ये पिक्चर, ब्रॉडली दिस इज द पिक्चर दैट इज तो एमर्जिंग. एक बात ये बताइए भूपेंद्र जी कि अब हमने देखा है कि कोई भी गवर्नमेंट वहां पे अपना कार्यकाल तो पूरा कर नहीं पाती है, और होता ये है कि जो भी सरकार आती है या तो सरकार का फौज से मोह भंग हो जाता है, और फौज का उस सरकार से जो है वो 2.5-3 साल के आसपास जो है, मतलब 1.5-2 साल में ये शुरू हो जाते हैं, तीसरा चौथा साल आते आते जो है वो पूरा मोह भंग हो जाता है, और फिर फौज जो है पाकिस्तानी फौज फिर तख्ता पलट वहां पे करती है और अपने हैंडपेक व्यक्ति को बिठाती है। पहले उन्होंने इमरान खान को इसी तरीके से बिठाया, उससे पहले नवाज शरीफ को बिठाया था, नवाज शरीफ से मोह भंग हुआ तो इमरान खान को बिठाया, अब इमरान खान से मोह भंग हुआ तो दोबारा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ और यही बेसिकली पार्टियों को ले आया। अब इस बात, अब मान लीजिए कि इनका इस सरकार के साथ 2-2.5 साल में अगर मोह भंग होता है, जो पिछला हम पैटर्न देख रहे हैं, तो या फिर क्या आपको लगता है कि हो सकता है कि उस समय फिर इमरान खान की पार्टी को रिवाइव करें, या कोई नई आउटफिट जो है उस समय सेट, तो उस समय क्या होगा? यहाँ तो सीधा मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही हो जाएगी, अभी इनडायरेक्ट है, फिर डायरेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हम मान के चले कि मोह भंग वो तो होना तय है, और 2-2.5 साल के अंदर जो है कोई नया प्लेयर आएगा ही आएगा इसको करने के लिए, करेक्ट. तो क्या ऑप्शन, क्या आप सिनेरियो देखते हैं 2-2.5 साल? मुझे तो दो ही सिनेरियो दिख रहा है. एक सिनेरियो है कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगा. अब देखिए पिछला जो बिफोर द इलेक्शन वाज आल्सो कोएलिशन गवर्नमेंट, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना. ओनली व्हेन देयर इज अ वेरी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर विद अ स्ट्रांग मैंडेट इन द पार्लियामेंट इन द नेशनल असेंबली, द प्रॉब्लम अराइजेस बिटवीन द मिलिट्री एंड द सिविलियन गवर्नमेंट. अदरवाइज कोएलिशन गवर्नमेंट्स में उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है. अभी जो आई एम लुकिंग एट द प्रीवियस रेजिम, उनके साथ इतना प्रॉब्लम नहीं रहा है. तो इस सरकार जो अभी बनने वाला है वो भी ऐसे ही कोएलिशन जुली मुली सरकार ही है. इसके साथ मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम होएगा. ये दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो दैट आई एम लुकिंग एट. द सेकेंड सिनेरियो, बाई चांस फॉर सम रीजन शाहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ से प्रेशर पुट, उससे कुछ प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, डेफिनेटली देर विल बी अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. तो ये डेफिनेट है. बट आप देखिए वो इन इन वन वे आप अभी देर आर लॉट ऑफ एलिगेशंस ऑफ रिगिंग दैट हैव हैपेंड, प्रोटेस्ट वगैरह, पीटीआई जो कैंडिडेट्स हैं वो सारा प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, वो सब चल रहा है. बट हु इज द बिगेस्ट लूजर इन द एंटायर थिंग? आई एम टेकिंग इट अ लिटिल हेड. हु इज द बिगेस्ट लूजर इन द एंटायर प्रोसेस दैट हैज हैपेंड? इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज द बिगेस्ट लूजर. ओके, सो बिकॉज इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज देन आई थिंक दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट अफगानिस्तान इन साउथ एशिया बिकॉज ऑफ द तालिबान कमिंग ओवर टू पावर. नाउ दे आर लूजिंग पाकिस्तान ऑल्सो इफ पाकिस्तान मिलिट्री इज वीकन. So you can look at a possible US deep state involvement in ensuring that the Pakistan military perpetuates in Pakistan. So मुझे यही दो सिनेरियो नजर आता है, दैट देर विल बी नो इश्यू एट ऑल पंगा बिटवीन द सिविलियन गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तान मिलिट्री. एंड इफ दैट हैपन्स देन डेफिनेटली देर इज गोइंग टू बी अ पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द US गवर्नमेंट. हमने पिछले सारे कार्यक्रम में हमने डिस्कस भी किया था, बांग्लादेश में बैकस्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, इंडिया में बैकस्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, बट पाकिस्तान में नहीं हो रहा है अमेरिका के लिए. तो ये वाला सिनेरियो एंड इट इज डेफिनेटली स्लैप ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री. एंड मुझे लगता है दे विल ट्राई टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन बाई सम हुक और बी क्रुक. एक सवाल ये भी उठता है कि नीचे हमने ये देखा कि तमाम तरीके की मैनिपुलेशन करने के बावजूद मैंडेट नवाज शरीफ को आर्मी नहीं दिलवा पाई, पाकिस्तानी फौज नहीं दिलवा पाई, तो इससे ये तो पता चलता है कि इमरान खान का काफी स्ट्रांग ग्राउंड स्वेल है, काफी नीचे सपोर्ट है, और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन भी किए जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के कार्यालयों पर,
कि जब रिजल्ट्स में हेराफेरी करने का आरोप लगा तो काफी मैसिव पूरे जो है प्रदर्शन हुए। हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है उन्हीं की पार्टी के लोग जीते हैं, ऑलमोस्ट स्वीप है तो सरकार वो वहां पे बनाने जा रहे हैं। पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सरप्राइजिंगली, करेक्ट। जबकि वो पीएमएल का गढ़ माना जाता है। अब मुद्दा ये है कि अगर ये जबरदस्ती की जो सरकार बनवाई जा रही है तो नीचे जैसे 9 मई को एक बड़ा वाकया हुआ था पिछले साल जिसमें कि कोर कमांडर का घर जला दिया गया था और रावलपिंडी में जीएचक्यू पे भी ऑलमोस्ट जो हेडक्वार्टर है उनका पाकिस्तानी आर्मी का उसके वो भी टारगेट पे था, लोग सड़कों पे निकला है। तो आप ऐसा सिनेरियो होता है देख रहे हैं कि ये जब यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, सो कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल स्ट्राइफ, एक गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान जो है वो जा सकता है कि अगर लोग सड़कों पे उतर आए, क्या संभावना है इस बात की? आप देखिए, आई मीन ये विल देयर बी केओस इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, मुझे नहीं लगता है वो होने वाला है। ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू दैट दिस इलेक्शन रिजल्ट इज गोस अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ, द नेचर ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। देयर आर टू थिंग्स। वन इज इमरान खान इज अ पठान, नॉट अ पंजाबी। So there is a major major pushback by other communities against the Punjabi dominance. One, that is one. Number two, there is again the Pakistan military's overarching presence in Pakistan politics. ये दोनों के खिलाफ है। These are the two major grains of Pakistan. उसके खिलाफ है ये। So it is very clear about that. But इसके वजह से will there be massive civilian unrest? मुझे लगता है नहीं होगा। द पाकिस्तान मिलिट्री विल बी एबल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन एंड दे विल बी एबल टू एस्टैब्लिश दिस कोएलिशन गवर्नमेंट। बट विल पाकिस्तान रिवाइव बिकॉज ऑफ दैट? मुझे नहीं लगता। दे आर ऑलरेडी इन डॉल्ड्रम्स एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस इशू इन वन ऑफ योर प्रीवियस प्रोग्राम्स। देर इज स्ट्राइफ, सोशल स्ट्राइफ दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। हर रीजन में प्रॉब्लम है। यू टेक बलूचिस्तान, यू टेक खैबर पख्तूनख्वा, यू टेक सिंध, यू टेक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान। हर जगह पे अभी सोशल स्ट्राइफ है। बट समहाउ मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी विल बी एबल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन बिकॉज द स्ट्राइफ हैज नॉट टेकन द प्रोपोर्शंस वेयर इट कैन लीड टू अ ब्रेकडाउन ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ इनटू मल्टीपल रीजन्स। इस वक्त नहीं है उसके लिए। आई थिंक द सोशल मूवमेंट और मूवमेंट नीड्स टू मूव अ लिटिल हेड। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता इमरान खान ऑल्सो वुड लाइक टू हैव अ सिचुएशन वेयर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट्स इनटू डिफरेंट नेशंस और रीजन्स एंड दे ब्रेक अवे फ्रॉम द मेन बॉडी कॉल्ड एज पाकिस्तान। 1971 बांग्लादेश वी ऑल हैव एक्सपीरियंस। आई मीन पीपल और एटलीस्ट ऑफ आर एज ग्रुप वुड हैव known about it, but the previous the later they wouldn't have heard about it much, but abhi history padhenge to unko pata chalega. But one thing I want to state here, Arun ji, aap dekhiye ye mat your viewer should not think that Pakistan Tehreek-e-Insaf of Imran Khan or PML Nawaz or PPP of Zardari, Bhutto Zardari, ऑल ऑफ देम आर सो कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है। दे आर एसेंशियली ट्राइंग टू बी इन पावर इन सम वे और द अदर। दैट इज द बेसिस एंड ऑल ऑफ देम वॉन्ट रियासत मदीना विच इज बेसिकली इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। सो दैट इज देयर अल्टीमेट, दैट इज वॉट दे वॉन्ट। दे रियली आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट। ठीक है, समहाउ दे आर द हुक और द क्रुक, दे वॉन्ट टू बी इन पावर। सो एंड ऑफ कोर्स दे लुक एट टर्की एज अ मॉडल, है ना? बट टर्की इज ऑल्सो नाउ एन इस्लामिक स्टेट एक्चुअली। सो टर्की एसेंशियली ग्रू एज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन एंड देन नाउ इट इज अंडर एर्दोगान इट इज गॉन इन टू बैक स्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज हैपेंड इन टर्की टू बोरो अमेरिकन टर्मिनोलॉजी फॉर दिस सिचुएशन देयर। सो सिमिलर सिचुएशन कैन इमर्ज इन पाकिस्तान वेयर देर इज कंटिन्यूस सोशल स्ट्राइक
economy is in doldrums. All that situation is there, and the Pakistan state itself weakens. But will it disintegrate? Not at this point in time. Will the Pakistan military completely have their hands off the politics there? The situation has not yet risen as far as Pakistan is concerned. It will take a little more time for that. तो एक अंतिम प्रश्न ये, इसमें हम थोड़ा जरा पाकिस्तानी फौज, क्योंकि मेन प्लेयर वही है, तो उस फौज के नेतृत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी फौज के मुखिया हैं इस समय, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि वो अकेले ऐसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस भी जिन्होंने हेड किया है, और जो डीजी डायरेक्टर जनरल ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वो भी रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA के प्रोडक्ट हैं, वो जो नॉर्मल एक जनरल जनरली जिसको एक रेगुलर रो कहा जाता है पाकिस्तानी आर्मी में जो है, उसके प्रोडक्ट नहीं है। तो उसके खिलाफ भी एक उनके खिलाफ एक थोड़ा सा एक बायस जो है एक फौज के बड़े हिस्से में रहा है। तीसरी चीज ये है कि उनकी लीडरशिप के अंडर जो है वो काफी सारी गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे हमने देखा ईरान के साथ जो हुआ, अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तानी फौज पे कभी इतने ज्यादा हमले नहीं हुए जितने की हो रहे हैं अभी, लगातार हमले। और तो ये बहुत सारी चीजें जो है उनके उसमें वो ही। तो आसिम मुनीर जो है उनको वो असल में जब वो रिटायर होने के आई थिंक 2 दिन पहले या 2 दिन बाद शायद, हाँ रिटायर होने के, इसलिए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल मानते हैं फौज के अंदर बहुत सारे लोग, बिकॉज उनके रिटायर होने के आई थिंक 2 दिन के बाद उन्हें फिर जो है वो एक्सटेंशन देकर और फिर आर्मी चीफ एक तरीके से जो है वो बनाया गया था। तो बहरहाल जब आप जो है मौजूदा जो एक बहुत सारे एनालिस्ट भी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज का इतना इनकम्पिटेंट नेतृत्व जो है वो कभी नहीं रहा, इनकम्पिटेंट पहले भी रहा है और सब हुए, बट ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी जनरल्स विज अभी पाकिस्तानी आर्मी के उसमें है। और अभी हमने देखा है कि उन्होंने पूरा जोर लगा दिया मैनेज करने के, मई 9 की घटना का भी मैंने चर्चा की कि कभी पाकिस्तानी फौज पे जनता उतर के हमला कर दे, ये भी नहीं हुआ। आप जरा पाकिस्तानी फौज की जो एग्जिस्टिंग नेतृत्व है उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करें, और साथ में एक ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि जैसे हमें जो सुनने में आ रहा था चर्चा में कि शेकअप एक होगा, क्योंकि जिन अधिकारियों को पाकिस्तानी फौज में ये इलेक्शन मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें DGISI और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, तो इन दोनों को जो है वो हटाकर और किसी और को लगाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों इलेक्शन को डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाने में विफल रहे। और अभी 1.5 साल और 1.5 पौने 2 साल के करीब 3 साल का टेन्योर तो एक फिक्स्ड रहता ही है, उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी आसिम मुनीर का 1.5 साल का 1.5 साल का कार्यकाल अभी हुआ है, और अभी 1.5 साल तो कम से कम और बाकी है ये कार्यकाल, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन की संभावना तो रहती है। तो आप जरा पाकिस्तानी फौज के क्या हाल चल रहे हैं, क्योंकि मेन प्लेयर तो वही है, और गोइंग अहेड आप क्या देखते हैं कि डू यू थिंक दैट आसिम मुनीर जो है उनके भी नेतृत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लग सकता है, उनको भी उनकी जगह कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है? यार आप यू आर एब्सोल्युटली ड्रॉट ऑन एज फार एज जनरल आसिम मुनीर इज कंसर्न। इनफैक्ट आप देखेंगे तो ही एक्चुअली बिलोंग्स टू द 17th कोर्स ऑफ द ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल व्हिच इज बेस्ड इन मंगला। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही वाज आल्सो द DGISI। एंड देन यू विल बी, आई मीन इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग दैट ही इज द फर्स्ट क्वार्टरमास्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी हु हैज बीन एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्वार्टरमास्टर जनरल इज एसेंशियली अ वेरी वेरी लो पोस्ट। और ये तो ये जनरली उनको दी जाती है जिनको की तय हो जाती है कि भाई इसको चीफ नहीं बनाना है, तो करेक्ट, उसको क्वार्टर मास्टर जनरल बनाने मास्टर का जनरल ऑप्शन बना है। के भेज देते हैं। यू आर जी जी एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट। यूजुअली अ कोर कमांडर और समबडी लाइक दैट एट दैट लेवल इज ओनली एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान। सो इस एलिवेशन वाज आल्सो कंट्रोवर्सी एट दैट टाइम। सो इसीलिए एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन रिजल्ट व्हिच हैज गॉन अगेंस्ट व्हाट द मिलिट्री वांटेड, ये प्रश्न चिन्ह तो डेफिनेटली
उठने वाला है। एंड सिमिलरली आप देखेंगे तो द ब्लेम विल बी एंटायरली पुट ऑन द प्रेजेंट आईएसआई यू नो इनकम्बेंट जनरल नदीम अंजुम। तो दिस दिस काइंड ऑफ सॉरी अब्दुल रहमान सिलीमानी, सो दिस गाई इज गोइंग टू बी द देर इज गोइंग टू बी अ प्रश्न दैट इज गोइंग टू बी रेज्ड अगेंस्ट दिस फेलो। एंड ऑब्वियसली यू नो दिस जी नदीम इश्यू अंजुम, आपने ठीक कहा था, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है नदी डीजी मंजूम। आईएसआई, और राइट दूसरा जो सीजीएस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो मैं बता रहा था, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अवैध दस्तगीर। तो ये दोनों सो तो जो है मतलब दिस निपट सकते हैं, या या लेकिन सो आसिम मुनीर खुद भी जो है वो आपको लगता है बिकॉज हिज पोजिशन इज क्वाइट वीक। हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस पोजीशन इज एब्सोल्युटली एज वीकेंड बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पोल्स, द आउटकम दे कुड नॉट मैनेज अल्टीमेटली। बट इफ व्हाट दे डिजायर इन टर्म्स ऑफ अ कोएलिशन गवर्नमेंट वो बन जाता है, देन स्लाइटली यू मे रिकवर फ्रॉम द सिचुएशन अ लिटिल बिट। वो डेफिनेटली है, एंड देर इज ऑल डेफिनेटली अ पुशबैक अगेंस्ट मुनीर, जनरल मुनीर, एज फार एज दिस दिस इलेक्शन इज कंसर्न, एंड ही विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेज विदिन द आर्म फोर्सेज। ये मैं सो एक इसमें बस और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसको भी जोड़ दें। आपको लगता है कि आर्मी के अंदर से भी, क्योंकि बाहर से तो किसी की जो अंदर पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है और जो इक्वेशन बनती है, तो उसके हिसाब से ही जो है नए फौज के जनरली चीफ बनते हैं, एंड ऑफ कोर्स बैक बाय द यूएसडी डीप स्टेट। तो लेकिन आपको लगता है कि क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर से, क्योंकि पहले मई 9 का इंसिडेंट हुआ, मई वाला जो आई थिंक 9th और 7th जो भी मतलब मई का इंसिडेंट हुआ जिसमें ये अटैक हुआ पाकिस्तानी आर्मी पे, उसके बाद ये इलेक्शन वाला रिजल्ट का मामला हो गया और पाकिस्तानी फौज पे हमले हो ही रहे। हमने देखा बलूचिस्तान में तो मच नामक जगह पर 2 दिन बलूचियों ने पाकिस्तानी फौज को मतलब दौड़ा दौड़ा के जिसको बोलते मारा वहां पे, और जब उन्होंने खुद विड्रॉ किया तो तब उन्होंने क्या कहते हैं अपना विड्रॉ वॉलंटरली विड्रॉ किया बलोच लिबरेशन आर्मी ने। तो ये ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तानी फौज के अंदर से आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो पुशबैक आ सकता है? ये भी मतलब इसको भी आप थोड़ा सा वो कर दें। नहीं, मुझे लगता है दिस दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट एसेंशियली आप देखिए, द मोस्ट पावरफुल पोजिशन इन द इंडियन आर्म इन द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इज दैट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो यू वुड डेफिनेटली हैव मैनिपुलेटेड पोस्टिंग्स इन अ मैनर दैट ऑल इज लॉयल नो लॉयल पर्सन आर एक्चुअली पोस्टेड इन एज कोर कमांडर्स, हु आर द पीपल हु आर यू नो एबल टू डीथ्रोन हिम फ्रॉम in the position that he is currently in. So he would have managed it. He has already been there for quite a while now, and in this period he would have definitely achieved that loyalty of all the core commanders and all. Sir, ISI का chief रह चुका है तो manipulation तो उसको definitely आता ही होगा. So otherwise he wouldn't have been a ISI chief. So he would have managed that, and मुझे नहीं लगता है there would be a प्रश्न चिन्ह तो डेफिनेटली उठेगा, डिस्कशन तो होगा विद इन द फोर्सेस, बट इफ ही इज एबल टू मैनेज द कोएलिशन गवर्नमेंट एज ए प्रीवियसली सेड व्हिच इज अ वीकेंड सिविलियन गवर्नमेंट, देन दिस इश्यू वुड नॉट बी अ मेजर इश्यू। मुझे लगता है यू वुड कंप्लीट दिस टर्म, बट आफ्टर ही कंप्लीट दिस टर्म विल यू बी एबल टू गवर्न एन एक्सटेंशन, दैट बिकम्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो दैट वी हैव टू वेट एंड सी व्हाट इमर्जेस आउट ऑफ दैट। But definitely the Pakistan Chief of Army Staff position has weakened after what has happened in the elections. I would agree with you on that point. जी, तो हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इंडिया इन द वर्ल्ड के अगले एपिसोड में हम लोग जल्दी ही एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और विपिन जी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।